हेलो बच्चों, आज मैं एक पत्र लेके आई हूँ। प्रार्थना पत्र, जुर्माना माफ़ करवाने के लिए अपनी मुख्य अध्यापिका को प्रार्थना पत्र, या अपने मुख्य अध्यापक जी को प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेवा में श्रीमती मुख्य अध्यापिका जी, माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल सरोआ। यहाँ पे आप लोग अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है, जो भी आपके स्कूल का नाम है ना, और यहाँ आपकी सिटी, जगह जहाँ भी आपका स्कूल पड़ता है, ठीक है ना। तो फिर आगे है विषय, जुर्माना माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। श्रीमती जी, सविनय प्रार्थना यह है कि मैं आपके स्कूल की 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आप यहाँ जो छात्र है वो छात्र लिखेंगे, है ना। सविनय प्रार्थना यह है कि मैं आपके स्कूल का 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। लड़के ऐसा लिखेंगे। सोमवार को हमारे अंग्रेजी के अध्यापक ने हमारा टेस्ट लिया था। उस दिन मैं बहुत बीमार थी, है ना। लड़का क्या लिखेगा, मैं बहुत बीमार था जिस कारण मैं स्कूल नहीं आ सकी और टेस्ट देने में असमर्थ रहा। ठीक है, लड़का और लड़की अपने तरीके से लिखेंगे सारे। जिस कारण अध्यापक जी ने मुझे 100 रुपये का विशेष जुर्माना लगा दिया है। आगे हैं, मेरे पिताजी बहुत गरीब है, इसलिए मैं जुर्माना नहीं दे सकती। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार हूँ, अतः कृपा करके आप मेरा जुर्माना माफ़ कर दें। मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी, है ना। ये यहाँ लड़का लड़की अपने तरीके से लिखेंगे। धन्यवाद आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। लड़के क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पे फिर आपने अपना नाम, यहाँ पे कक्षा, ठीक है। नाम, ये नाम नहीं लिखना है आपने, सीधा ही अपना नाम लिखना है ना, ये वाला कट कर देना आपने। फिर कक्षा कौन सी है आपकी, रोल नंबर, तिथि, है ना। ऊपर 5वीं लिखा तो 5वीं कक्षा कर देना आप लोगों ने, ठीक है। तो ये था जुर्माना माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर लें। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके साथ ही धन्यवाद।